अगर आप प्लान कर रहे हैं टाटा की नैनो कार को खरीदने का तो थोड़ा जल्दी प्लान कीजिए, क्योंकि हो सकता है नैनो जल्द ही बनना बंद हो जाए। खबर आ रही है कि रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट कार नैनो अब आपके नैनो से गायब हो सकती है, और ये इशारा किया है टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और CEO बशेक ने। उन्होंने जेनेवा मोटर शो में कहा कि पुरानी दुनिया को आखिरकार बदलना होगा। दरअसल देश में अक्टूबर से यात्री सुरक्षा को लेकर नियम कड़े होने जा रहे हैं। इसमें कार और दूसरे वाहनों में सेफ्टी बैग को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इसी तरह साल 2020 तक देश में सब कारों को कम पॉल्यूशन वाले BS6 फ्यूल पर लाने की कोशिश भी हो रही है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। कम लागत में बनने वाली नैनो के लिए इन दोनों ही बातों को पूरा कर पाना बड़ी चुनौती होगी। नैनो की ब्रांडिंग 1,00,000 रुपए की कार के तौर पर की गई थी, और इसे लकटकिया कार भी कहा गया था, लेकिन सब जानते हैं कि इसकी कीमत 1,00,000 रुपए से ऊपर ही रही। ऐसे में अगर नए नियमों के हिसाब से कार को ढाला गया तो वो अपनी मौजूदा कीमत से भी महंगी होने वाली है। लिहाजा लगातार चुनौतियों का सामना करने वाली नैनो को बंद करना ही कंपनी को मुनाफे का फैसला लग रहा है। टाटा ने माना है कि वो 2018 तक सिर्फ हैचबैक टियागो और सेडान टिगोर पर फोकस करेगी। टाटा मोटर्स के CEO ने माना कि हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का अंत होता है। देश में होने जा रहे बदलावों की वजह से नैनो का भी अवंत तक पहुंचना तय है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।